हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन चांस वुमन। इसके पहले जो मैंने फ्लिपकार्ट की स्वेटर वाली वीडियो अपलोड की थी उसमें आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिखाया था। एंड गाइस बिलीव मी, बहुत ही क्यूट से स्वेटर मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है इसमें आपको दो कलर्स देखने को मिलेंगे। बेस इस स्वेटर का एकदम व्हाइट कलर का रखा गया है एंड इसके ऊपर में बटरफ्लाई बनाए गए हैं जिसमें की लेवेंडर कलर यूज किया गया है। एंड आप देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस स्वेटर में आपको हाई नेक मिलता है जिसके इनर साइड में यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी नो बार की। साइज मैंने इस स्वेटर में एल लिया है बट जो इसके स्लीव्स है ना 3/4 से थोड़े ज्यादा बड़े हैं, एकदम फुल नहीं है। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको कोई भी कफ्स या फिर नीचे के तरफ में हेम नहीं प्रोवाइड किया गया। स्लीव्स में भी ये बटरफ्लाई बनाए गए हैं बट स्वेटर का जो बैक साइड है उसे एकदम प्लेन सिंपल सा ही रखा गया है। स्वेटर जिस वूल से बनाया गया ना वो बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। कॉम्पोजिशन वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं है बट टच एंड फील में मुझे एक्रेलिक टाइप का ये लग रहा है। बाकी अगर लेंथ के बारे में बात करें तो ये वाली जो स्वेटर है वो क्रॉप्ड लेंथ के साथ आई है। ये हाई वेस्टेड जीन्स के साथ या फिर स्कर्ट्स के साथ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। टैग यहाँ पे आपको मिल जाता है जिसे प्राइसिंग लिखी गई 2499, मुझे फ्लिपकार्ट में 600 के राउंड में मिल गई थी। अपने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग क्वालिटी वगैरह आपको बहुत ही अच्छी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। सो गाइस हमारे जो नेक्स्ट वाला स्वेटर है ना ये मेरा एकदम फेवरेट सा स्वेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर इसका मैं बता दूं कि यहाँ पे पाउडर ब्लू एंड व्हाइट कलर यूज किया गया है एंड पूरे स्वेटर में आपको चेक्ड पैटर्न देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये वाली जो स्वेटर है वो बहुत ही वर्सेटाइल है। स्टाइलिंग के मामले में मैं आगे बताऊंगी, पहले इसके डिजाइनिंग पे आ जाते हैं। तो कॉलर इसमें आपको नॉर्मल सा मिलता है जिसके इनर साइड में आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंड साइज मैंने इसमें भी एल ही लिया है। आपको फुल स्लीव्स मिल जाएंगे एंड फ्रंट साइड में यहाँ पे 4 बटन्स भी अटैच किए गए हैं। व्हाइट एंड गोल्डन कलर में बटन को रखा गया है, स्वेटर को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। बट इसका जो फर्स्ट वाला बटन है ना ये मेरे से गलती से टूट गया था, इसका जो व्हाइट वाला पार्ट है। तो इनकेस अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो इन्होंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में बटन भी प्रोवाइड कर रखा है। स्वेटर का जो फील है ना बहुत ही सॉफ्ट एंड काफी वूली वूली टाइप का लगता है। इसे अगर आप सामने से देखोगे ना तो पूरे स्वेटर में ऐसा फर टाइप का भी डिजाइन किया गया है एंड ये जो फर है वो सिर्फ आपको जितना इसका व्हाइट पार्ट है ना वहीं पे मिलता है बट दूर से उतना कुछ पता नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि पूरे स्वेटर में ही डिजाइन हो। इनर साइड में इसकी भी कोई भी कॉम्पोजिशन वगैरह मेंशन नहीं है बट टच एंड फील में ये भी पॉलिएस्टर एक्रेलिक का मिक्स ही होगा। जो भी देखो फैब्रिक यूज की गई है वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगी। एंड अगर बात कर ले इसके लेंथ की तो ये मेरे वेस्ट के नीचे तक आई थी एंड ऐसे लेंथ वाले जो स्वेटर्स होते हैं ना वो टॉप जीन्स के साथ तो अच्छे जाते ही है बट इनकेस अगर आप कुर्ती भी पहनो तो उसके साथ में भी ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड कलर तो इसका आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा खूबसूरत है। ओवरऑल फिट एंड लुक आप देख लो, अगर पसंद आए तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है बहुत ही क्यूट सा स्वेटर। यहाँ पे मैंने स्लीवलेस स्वेटर चूज किया है एंड कलर इसमें आप देखो बेस इसका ऑफ व्हाइट टाइप का रखा गया है एंड इसके ऊपर में आपको डार्क ब्राउन कलर से डिजाइनिंग देखने को मिल जाएंगे एंड नेक इसमें आपको यहाँ पे वी मिलता है। नेक के पास में भी जो बॉर्डर है ना वहाँ पे आपको व्हाइट एंड ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। इनर साइड में यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी अनरूल की एंड उसी के नीचे में लिखा गया है एक्स नेटफ्लिक्स द आर्चीज। तो ये वाली जो स्वेटर है ना वो द आर्चीज जो मूवी आई है उससे कोलैबोरेशन में बनाई गई है। इनकेस अगर आपने आर्चीज देखी होगी तो उनके जो कास्ट है वो कुछ ऐसे ही स्वेटर्स पहनते हैं। मैंने उतना देखा नहीं है, स्टार्टिंग का बस इंट्रो देखा था, मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बाकी अगर आपने देखा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे जो स्लीव वाला पार्ट है वहाँ पे प्लेन बॉर्डर अटैच किया गया है एंड इसका जो हेम है वहाँ पे आपको ऑफ व्हाइट एंड ब्राउन देखने को मिल जाता है। स्वेटर के बैक में भी आपको डिजाइनिंग मिलती है, वहीं इसका इनर साइड हम अगर देख ले स्मूथ तो है ही, साथ ही यहाँ पे कॉम्पोजिशन भी मेंशन है, इस वजह से ये वाली जो स्वेटर है वो आपको सॉफ्ट भी लगेगी। वहीं स्वेटर का जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे एक पैच के थ्रू ब्रांडिंग की गई है। बाकी ओवरऑल फिट एंड लुक आप इसकी देख सकते हो। साइज मैंने इसमें एल ही लिया था, ये भी मेरे नेवल तक ही आई थी, क्रॉप टाइप की आप समझ सकते हो। जैसे मैंने इसे स्टाइल किया है हाई नेक स्वेटर के साथ वैसे भी स्टाइल कर सकते हो एंड इनकेस अगर आपके पास कोई भी प्लेन सॉलिड से शर्ट्स भी है तो वो भी इस पे बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं। बाकी अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये वाली जो स्वेटर है मुझे 400 के अराउंड में मिल गई थी, तो प्राइस के अकॉर्डिंग डेफिनेटली इसे ट्राई दे सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट है वो भी अगेन पाउडर ब्लू कलर का ही है बट थोड़ा सा डार्क शेड है यहाँ पे, लेकिन कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। एकदम प्लेन सॉलिड सा ये स्वेटर है जिसमें कि आपको हाई नेक प्रोवाइड किया गया है। इनर साइड में आपको रोस्टर की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड साइज अगेन मैंने इसमें एल ही लिया है। स्वेटर में निटेड टाइप की डिजाइनिंग की गई है। स्लीव्स जो इस स्वेटर के है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड काफी स्टाइलिश रखे गए हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपको रेगुलर स्लीव्स प्रोवाइड किया गया है, साथ ही इसके सामने में आप देखो कितनी खूबसूरत सी व्हाइट कलर से यहाँ पे पैजले डिजाइनिंग की गई है। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा एंड मैं इस पैटर्न को लेकर उतनी ज्यादा श्योर नहीं हूँ। ब्रांड ने वहाँ पे वो वर्ड मेंशन किया था जिसे कि मैंने सर्च किया तो मुझे थोड़ा ये पता चला कि कुछ कर्वी डिजाइन को पैजले बोलते हैं। वैसे जो भी डिजाइनिंग हो स्वेटर को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना इसके नीचे में कोई भी फैब्रिक नहीं है। ये सेम पैटर्न आपको स्वेटर के आगे एंड पीछे शोल्डर वाले पार्ट में मिलता है, साथ ही जहाँ से स्लीव स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे भी ये
डिजाइन किया गया है। ये चीज कंटिन्यू होते हुए नीचे तक जाती है। इसमें आपको बेल स्लीव्स मिलते हैं जो कि अपर साइड से तो नॉर्मल लगते हैं, नीचे साइड में जाके ये थोड़ा फैला टाइप का दिखता है। वहीं नीचे वाला जो पार्ट है स्वेटर का उसे एकदम प्लेन छोड़ दिया गया है। इनर साइड हम स्वेटर का देख ले तो अगेन यहाँ पे भी मुझे बहुत ही स्मूथ लग रहा है। कॉम्पोजिशन में इसके भी 100% एक्रेलिक ही यूज की गई है, इस वजह से स्वेटर पहनने में आपको बहुत ही कम्फर्टेबल लगेगा। बाकी ये वाली जो स्वेटर है वो उतनी हैवी विंटर्स में आप कैरी आउट नहीं कर सकते, अभी का जो ठंड है उसके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। प्राइस के बारे में अगर बात करें तो ये वाली जो स्वेटर है वो मुझे 800 के अराउंड में मिल गई थी। गाइज 800 के अराउंड में जो आपको ये क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो वर्थ लगेंगे आपको। डिजाइन एंड लुक पसंद आए तो डेफिनेटली इसे ट्राई दे सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। एंड हमारा जो नेक्स्ट वाला स्वेटर है इसमें आपको तीन कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। एक है सी ग्रीन, बीच वाले जो पार्ट है स्वेटर का वहाँ पे ब्राउन कलर यूज किया गया है एंड स्वेटर का जो बेस है उसे ग्रे कलर में रखा गया है। ग्रे कलर से ही इसमें आपको डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं इस स्वेटर में आपको प्रॉपर हाई नेक मिलता है जिसे कि अगेन ग्रे कलर में ही रखा गया है एंड इसी से मैच होता हुआ है इसका कफ एंड इसका हेम भी आपको देखने को मिल जाता है। इस स्वेटर में आपको रेगुलर स्लीव्स मिलेंगे। बैक में भी आपको यही सेम पैटर्न देखने को मिल जाएगा। वहीं कॉलर के इनर साइड में आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी नो बार की। साइज मैंने इस स्वेटर में एल लिया है। अगर बात कर ले मटेरियल की तो इस स्वेटर में बहुत ही हैवी वूल यूज की गई है जिसे कि आप हैवी विंटर्स में ही कैरी आउट कर सकते हो। वहीं इनर साइड अगर हम देखें तो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर लग रहा है मुझे। कॉम्पोजिशन वगैरह तो वैसे मेंशन नहीं किया गया है बट हाँ इतना मैं बता सकती हूँ कि प्योर वूल तो नहीं है, कुछ इसमें मिक्स होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ना स्लिपरी टाइप का लग रहा है। एंड अगर इसके लेंथ के बारे में बात करें तो ये एकदम प्रॉपर मेरे वेस्ट तक आई थी। लेंथ एंड फिट वगैरह बहुत ही अच्छी लगी मुझे इस स्वेटर की एंड इसके ब्राउन वाले पार्ट की वजह से इसमें थोड़ा विंटेज वाइब आता है। तो आपको भी अगर इसका लुक एंड फिट अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली ट्राई दे सकते हो। हम चलते हैं अपने लास्ट स्वेटर की तरफ। सो गाइस इस वीडियो में मैंने 6 स्वेटर्स इंक्लूड किए हैं। हमारा जो लास्ट वाला स्वेटर है वो थोड़ा लाइट मॉव एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आया है। कलर इसका भी बहुत ही प्यारा एंड काफी सटल लगता है। नेक इस स्वेटर का राउंड मिलता है आपको जिसे कि एकदम प्लेन सिंपल सा ही रखा गया है। इनर साइड में यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी मिल जाएगी एंड साइज मैंने इसमें एल लिया है। पूरे स्वेटर के ऊपर में आपको ब्लैक व्हाइट एंड डार्क ग्रे कलर में डिजाइन देखने को मिलेंगे। कलर्स दूर से उतने ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं, ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर ही यूज हुआ हो बट जो ये पैटर्न्स क्रिएट किए गए हैं ना इस वजह से ये स्वेटर बहुत ही मिनिमल लगता है। स्लीव्स इसमें आपको फुल मिलेंगे एंड यहाँ पे कफ जो इसके हैं वो इसके नेक से मैच होता हुआ रखा गया है एकदम प्लेन सिंपल सा एंड हेम भी सेम टाइप का ही आपको देखने को मिल जाएगा। हेम आपको यहाँ पे चौड़ी मिलती है बट कफ मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ना छोटी लग रही है। बाकी स्वेटर का जो बैक साइड है यहाँ पे भी आप देखो सेम ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। इनर साइड अगर हम इसका देख ले तो इनर साइड से ये उतना ज्यादा स्मूथ नहीं लगता क्योंकि जो वूल इसमें यूज किया गया है उसमें से ना थोड़े थोड़े ये पार्टिकल टाइप के निकल रहे हैं जिसे कि आप क्लोजली ही देख पाओगे। वैसे ये उतना ज्यादा इरिटेट नहीं करने वाले आपको स्किन पे, तो इन्होंने टैग तो लगाया बट यहाँ पे कोई भी कॉम्पोजिशन वगैरह मेंशन नहीं है। टच करने में मुझे ये भी एक्रेलिक टाइप की ही लग रही है एंड ये वाली जो स्वेटर है वो आप लाइट विंटर्स में ही कैरी आउट कर सकते हो क्योंकि ये उतनी ज्यादा हैवी मटेरियल से नहीं बनाई गई। डेली यूज के लिए या फिर कॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। जींस वगैरह के साथ काफी खूबसूरत लगेगा। अगर आप इसकी प्राइसिंग जानना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आई होप गाइस आपको ये भी स्वेटर के कलेक्शन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। जींस की वीडियो के लिए बहुत लोगों ने कमेंट किया था तो उसकी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है एंड ऐसे ही अपने सजेशन मुझे कमेंट करते रहना। साथ ही ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।